सर ये तो मैं क्या बताऊं कि मैं हरामखोर हूं कि नहीं हूं, थोड़ा बहुत हूं थोड़ा बहुत नहीं हूं, बाकी तो अब आप बताइए मैं हूं कि नहीं। ट्रेलर भी देखा होगा? जी मैं बहुत एक्साइटेड हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर जब निकला था बहुत बाकमाल ट्रेलर निकला था, एंड 13th को अभी फिल्म रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म की जर्नी थोड़ी बहुत मैंने भी जी है, बिकॉज श्लोक शर्मा मेरे बहुत बहुत ख़ास दोस्त हैं, नवाज़ भाई, श्वेता और भी बाकी राइटर्स, DOP सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड इन्होंने जब फिल्म बनाई थी मैं इनकी जर्नी को थोड़ा बहुत जिया हूँ, क्या मुश्किलों से इन्होंने ये फिल्म बनाई, और आज जब ये रिलीज़ हो रही है बहुत बहुत खुशी हो रही है श्लोक के लिए, डायरेक्टर के लिए एंड पूरी टीम के लिए। बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने ये देखी थी जब ये एडिट टेबल पे इसका फाइनल कट तैयार हुआ था बिना साउंड के बिना डब के, जब मैंने देखी थी तभी मैं काफ़ी हिला हुआ था इस फिल्म से। बहुत इफेक्टिव फिल्म है। नाउ अब ये फुल ग्लोरी में इस फिल्म को देखने का अलग मज़ा होगा। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म। फिल्म का जो एक नाम होता है कितना इम्पैक्ट डालता है ऑडियंस के अटेंशन पर? अब मेरे ख्याल से बहुत बहुत इम्पैक्ट डालता है एक नाम। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली एक ये नीड होती है कि ये ऑडियंस को वो नाम पसंद आए, वो कैची लगे ताकि हमारा मन करे वो देखने का। एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी ट्रू टू द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, इट हैज़ टू बी ट्रू टू द स्टोरी ऑल्सो। ऐसे ही नहीं कि फिल्म कुछ और है और जस्ट ऑडियंस को खींचने के लिए कुछ और नाम हो गया। दिस फिल्म अगर आप देखेंगे सब कुछ देखेंगे तो आपको वो पता लगेगा कि क्यों इस फिल्म का नाम हरामखोर है और क्यों ये सही नाम है। You've always told that you're a Nawazuddin Siddiqui fan. ये फिल्म complete package है? Complete package है। I think नवाज भाई का तो अब क्या ही कह सकते हैं, वो तो हर फिल्म में ही brings out something new. आपको लगता है कि इसमें आपने पूरा स्वाद ले लिया नवाज भाई का, और फिर एक और फिल्म आती है और आपको लगता है ये भी था इनके अंदर। He's an institute. इसके अलावा दत्त बायोपिक में आपका नाम है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किस तरह का किरदार होगा आपका फिल्म में, कैमियो है शायद आपका? मैं उस बारे में अभी कुछ बात नहीं कर पाऊंगा, इट्स रियली वे टू अर्ली, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। कुछ लोगों के साथ आपका ड्रीम होता है काम करना, उनके साथ काम करके कुछ सीखना, एंड फाइनली जब ये सपना पूरा हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपकी एक फिल्म में रणबीर कपूर, खबर है कि रणबीर कपूर कैमियो करने वाले हैं, तो ये बात कितनी सच है? सर ये मुझे भी खबर ही पता लगी थी। अगेन वो फिल्म अभी उसकी शूट चल रही है, वहीं से आ रहा हूँ, तो उस बारे में इट्स ये कुछ चीज़ें जो अभी बहुत जल्दी हैं, इसका अपना एक टाइम आएगा बात करने का, और तब हम इतना बात करेंगे कि आप थक जाओगे सुन के। मैं अब देखिए मैं अब वो फिल्म की बस शूट ही चल रही है, तो इट्स टू अर्ली कि मैं बात करूँ कि किसका कैमियो है नहीं है क्या फिल्म है। लेट्स सी। थैंक यू भाई, पूरा इधर हमारे अरे नहीं हुआ। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं एक्साइटेड हूँ टू सी द फाइनल प्रोडक्ट। I'm very proud of Shlok for doing this film. Shlok Sharma ek bahut hi acha dost hai mera. He was my AD in Devdi and I've known him obviously for many years. So I just feel very proud that he's finally got this film out. I have a film releasing in March called Mantra, done by Nicholas Kharkonger with me and Rajat Kapoor. कल की मैम मेरा वाले थोड़ा सा मूवी से हटकर है, जो अभी डीमोनेटाइजेशन के बाद में जो बजट आने वाला है, तो एज अ एक्टर के तौर पर आपको क्या लगता है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री पर इसका कितना असर होगा? आई हियर टू टॉक अबाउट हरामखोर। मैम इन द न्यू ईयर के लिए महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, आपका क्या कहना है? I'm here to talk about Haramkor. Next. But every celebrity took a stand on. I've taken my stand on Twitter. Next. Ma'am, ये मूवी मामी में भी बहुत
इंग्लिश है जी, तो आपको लगता है कि लोगों तक पहुँच पाएगी, मतलब लोगों को छू पाएगी? Yeah, I think it's a very powerful story. बहुत अच्छे acting किए हैं both Shweta and Nawaz. और yeah, these are important stories to tell. Thank you. हमने बहुत ही दिल से, बहुत ही मेहनत से बनाई है, मतलब हर फिल्म दिलों मेहनत से बनती है, लेकिन इस फिल्म को थोड़ा टाइम लगा आने में क्योंकि अपनी बैटल्स फाइट कर रही थी. अब फाइनली हमें यूए मिल गया जो कि हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है. तो आज का दिन इनफैक्ट अभी तक मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हरामखोर इस फ्राइडे 13th को आने वाली है. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम जस्ट होपिंग कि सब हमें सपोर्ट करेंगे. छोटी सी फिल्म है तो आइए देखिए और फिर बताइए आपको कैसी लगी. जी जी मैम, मेरा सवाल जरा सा फिल्म से हटकर है, जो डीमोनेटाइजेशन से बाकी अभी जो बजट आने वाला है, तो इस सब का फिल्म इंडस्ट्री पे क्या असर हो रहा है? ये तो आई थिंक प्रोड्यूसर ज़्यादा बेटर आंसर कर पाएंगे. अभी गुनीत मोंगा यहाँ पे आएंगे, अनुराग कश्यप आने वाले हैं. आपको क्या लगता है? तो फिर वो एक्चुअली राइट नाउ मैंने ये सोचा ही नहीं है क्योंकि मैं इतना कंज्यूम हूँ इससे और ये लोग भी मुझे मार देंगे अगर मैं हरामखोर से कुछ और ज़्यादा शिफ्ट करके बात करूँगी. सो और किसी को कुछ जी आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट दैट वी हैव. बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे क्योंकि ये 16 दिन में पूरी पिक्चर फिल्म कंप्लीट हुई है. तो मेरे लिए तो वो 16 दिन वॉज लाइक एन एक्टिंग वर्कशॉप. तो मैं उनके साथ बार बार काम करना चाहूँगी. जी जी तो ये आपके मतलब प्रेशर से ज़्यादा बहुत दुख होता है क्योंकि जब आप एक बहुत ही अच्छे और साफ इंटेंशन से एक प्रोजेक्ट करते हो. हम में से किसी ने ये मूवी पैसे के लिए नहीं की, ग्लैमर उसके लिए नहीं किया है. हम सब इस प्रोजेक्ट में बहुत बिलीव करते थे तो इसलिए की. तो तब बुरा लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो एक अच्छी पिक्चर बनाना चाहते थे. तो लेकिन अब फाइनली आ गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. जी
एक्चुअली मैं कॉम्प्लीमेंट्स याद करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्स में ही रहेंगे तो फिर उसमें ही खो जाएंगे. लेकिन मुझे पहला अपना बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है हरामखोर की वजह से, और फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल था जिसमें मैं कभी गई थी, तो वो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल मेमोरी है. वो अपने को एक्टर्स को स्पेस बहुत देता है, एंड उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं फील कराया कि मैं न्यू कमर हूँ, कि मैं फ्रेश हूँ. तो इन अ वे वो मेरे लेवल पे आ गए थे, और स्पेस और रिस्पेक्ट देना अपने को एक्टर्स को कैसे करना, कितनी देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा. आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा था? बहुत ही बढ़िया. मतलब मैं ये मेरी एक्चुअली मसान से पहले मैंने हरामखोर की के लिए शूट किया था, तो इसलिए ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. 16 दिन में शूट किया था और हम लिटरली खो गए थे, क्योंकि हम सब इतना पैशनेट थे इस फिल्म को बनाने के लिए. इसलिए ऐसा नहीं था कि 16 दिन का शेड्यूल था, वो हो गया जल्दी. थैंक यू सो मच.